नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे फ्रेंड्स, पहले तो बात करूंगा ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि भाई ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये ऑर्गेनो क्लोराइड का जो पॉल्यूशन है ये क्या चीज है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या चीज है, और फिर इस परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रोकने के लिए कन्वेंशन साइन हुआ था स्वीडन की एक सिटी में जिसका नाम है स्टॉकहोम, इसको बोला जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर अभी 26 ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जिसको रोक बैन कर रखा गया है। आप कह सकते हो कि लिमिटेड बैन किया गया है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका प्रोडक्शन अलाउड है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। इनिशियली डर्टी डोजन को बैन किया गया था, 12 ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स थे जिनको बैन किया गया था। उसके बाद इस लिस्ट को बढ़ा के 26 कर दिया गया, 14 को और इंक्लूड किया गया, पहले 2009 में किया गया, फिर धीरे धीरे करके अब 26 है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब आप परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात करते हो तो इसमें आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, परसिस्टेंट आ रहा है, परसिस्टेंट मतलब जो कि एनवायरमेंट में एक बहुत लंबे समय के लिए रह सकते हैं, वो हट नहीं सकते, उनको बेसिकली आप परसिस्टेंट बोलते हो। जिसमें आपका क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, खासकर ऑर्गेनोक्लोराइड है। हाइड्रोकार्बन्स, अभी देखिए ये क्या चीज है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, और यहां पे कोई रिटन नोट्स नहीं, बस ध्यान से सुनते रहिए मैं जो बोल रहा हूं, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आपने सुना होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन्स तब होते हैं जिसमें आपका कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन दो चीजें होती हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर किसी एक प्रोसेस के थ्रू इन हाइड्रोकार्बन्स का जो हाइड्रोजन है ना, वो थोड़ा रिमूव हो जाए या ज्यादा रिमूव हो जाए, तो अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह आ गया क्लोरीन Cl, ठीक है, तो अगर ये Cl आ गया ना, फिर ये आपके धीरे धीरे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन थोड़ा हट जाए या पूरा हट जाए और उसकी जगह क्लोरीन आ जाए, तो फिर वो बन जाता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर आप उसको ऑर्गेनोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप डीडीटी की बात कर लीजिए, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, तो ट्राइक्लोरो क्लोरीन आ गया इसमें, ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल होगा। फिर आप एंडोसुल्फन की बात कर लीजिए, एंडोसुल्फन, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीजें जब आने लग जाती है ना फ्रेंड्स आपकी, तो आप ये समझ जाइए कि पॉल्यूशन लेवल अब बढ़ रहा है हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ रहा है, और ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं फ्रेंड्स जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस स्टॉकहोम कन्वेंशन को लेके आया गया। तो कुछ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका होगा डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है, डाई क्लोरो, इनका आपने कहीं ना कहीं आप इनको जरूर सुना होगा, आपने ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इनको सुना ना। डाई क्लोरोमीथेन हो गया, डीडीटी बता दिया आपको, एंडोसुल्फन बता दिया, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, फिर एक चीज होती है आपकी क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से ऑर्गेनोक्लोराइड है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए इनके साथ प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। नॉन डिग्रेडेबल कहने का मतलब क्या है कि इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। जो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक होते हैं, उनको इनऑर्गेनिक में बदला जा सकता है, इनऑर्गेनिक में, ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स को जिसमें क्लोरीन कंटेंट आ गया है, इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि इनका जो केमिकल जो कंपाउंड बनता है उसमें कुछ इस तरीके के केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं कि फिर उनको आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको मेटाबॉलिज्म के थ्रू नहीं तोड़ सकते, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो। और जब ऐसा होता है ना, तो ये एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, जमा होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, जिसको बायो एम्पलीफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, यहां पे हम केवल यहीं तक रहते हैं। तो देखिए, अगर आप इनके कह सकते हैं कि एप्लीकेबिलिटी की बात करोगे, इनके क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप CHC भी बोल सकते हो, ऑर्गेनोक्लोराइड्स भी बोल सकते हो। तो देखिए, पीवी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स की जो पीवीसी पाइप्स लगती हैं, पीवीसी पाइप्स आपने बहुत सुना होगा फ्रेंड्स, काफी फेमस होती है, इसमें भी इसका यूज होता है। फिर बहुत जगह पे यूज होता है फ्रेंड्स, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, एयर कंडीशनर्स में इनका यूज होता है। इवन अगर आप डीडीटी की बात करोगे ना फ्रेंड्स, तो डीडीटी का यूज मलेरिया को भगाने के लिए होता है। मलेरिया एक इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है, मलेरिया को भगाने के लिए होता है। अब बात यह है फ्रेंड्स कि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो कर दिया डीडीटी को बैन,
पर डेवलपिंग कंट्रीज में ये डीडीटी मलेरिया को भगाने के लिए यूज हो रहा है, ये काफी हद तक ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है कि अभी भी आप इस डीडीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है, एनिमल लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर डायोक्सिन्स होते हैं फ्रेंड्स, तो ये सब चीजें जो होती है ना फ्रेंड्स, ये फूड चेन में एक्यूमुलेट होती जाती हैं, और फिर जितने भी एनिमल्स हैं ह्यूमंस हैं उनके रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। जैसे कि बर्ड्स में जो बच्चे पैदा होते हैं, इनके जो एग है ना, उस एग जो शेल होता है वो बहुत थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, उसके चलते जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मरने लगते हैं बर्ड स्पेशीज के। और एक नहीं, मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें तक में ये पाया जाता है। इसका जो कंसंट्रेशन की अगर आप बात करोगे ना फ्रेंड्स, तो मेल में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, फीमेल में इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का। क्यों? क्योंकि फीमेल्स जब अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करती हैं, अपने बच्चे जब पैदा करती हैं, तो बहुत सारा वो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनोक्लोराइड अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देती हैं, इसलिए फीमेल्स में इसका कंसंट्रेशन फिर भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक नए नवजात बच्चे में अगर ये जा रहा है तो उसकी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है, और मेल्स के साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेल्स में जैसे जैसे उनके फैट में ये धीरे 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 अकुमुलेट करता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये अकुमुलेट करता ही जाएगा। आप और मैं फ्रेंड्स, हम लोग जो चिकन खाते हैं ना, जो पोल्ट्री का चिकन होता है, कहा जाता है कि उस पोल्ट्री के चिकन में भी ऐसे बहुत से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। जितना भी आप दुकान में चिकन खा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आप खा रहे हैं उतना ही ज्यादा ये आपके शरीर के अंदर जमा हो रहा है, भले ही थोड़ी क्वांटिटीज में जमा हो रहा हो, ये हो रहा है फ्रेंड्स, इसको आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो है इसमें। अब एक चीज थी एंडोसल्फन, एंडोसल्फन को बाद में बैन किया गया। एंडोसल्फन फ्रेंड्स आपका एक एंडोक्राइन डिसरप्टर था। ठीक है, एंडोक्राइन डिसरप्टर क्या होता है फ्रेंड्स? एंडोक्राइन डिसरप्टर होता है एक, आप कह सकते हो कि एक ऐसा एलिमेंट जो आपके हार्मोन सिस्टम के साथ कह सकते हैं कि वो इंटरफेयर करता है। तो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स वो केमिकल होते हैं जो आपके हार्मोन्स के साथ, आपके एंडोक्राइन सिस्टम्स के साथ इंटरफेयर करते हैं। ये ट्यूमर ला सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट ला सकते हैं, बहुत से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ला सकते हैं। हार्मोन तो डिसरप्ट करते ही हैं, इनके गलत फायदे कितनी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं ये अभी भी आप गेस नहीं कर पाओगे। तो धीरे 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 इन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स की जो प्रॉब्लम थी, अगर मैं आप प्रॉब्लम्स गिनाने पर आ गया तो लाखों हैं, ठीक है, खत्म नहीं होंगी। तो जब ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की, इन क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनोक्लोराइड्स का जो पॉल्यूशन हो रहा था, इसकी प्रॉब्लम एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगी, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सोचा कि भाई ऐसे तो चल नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम इस पे वापस आएंगे, जो डर्टी डोजन, इस पे हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो एक स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन किया गया। ठीक है, अब ये साइन हुआ 2001 में, Persistent Organic Pollutant में साइन हुआ, इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है, स्टॉकहोम नाम की जगह है आपकी स्वीडन में। ठीक है, वहां इसे साइन किया गया है। अब जब हमने स्टॉकहोम की बात की है फ्रेंड्स, तो यहां पे आ जाते हैं, इस मैप को देखिए, आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, ये रहा आपका नॉर्वे, उसके बगल में ये रहा स्वीडन, इधर है फिनलैंड। तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में आपका है बाल्टिक सी, ऊपर की तरफ आपको गल्फ ऑफ बोथनिया नजर आ रहा है, यहां पे देखिए स्वीडन के ईस्टर्न एंड में यहां पे स्टॉकहोम सिटी है। तो यहां पे ये कन्वेंशन साइन किया गया था। यहां से क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि भाई स्टॉकहोम कौन से समुंदर के किनारे है, तो हो गया आपका बाल्टिक सी। पाथ में दो गल्फ दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है गल्फ ऑफ बोथनिया और दूसरा दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड। फ्रेंड्स यहां देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड आपका फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में नजर आ रहा है, और फिनलैंड और एस्टोनिया की ईस्टर्न साइड पे क्या है, पूरा का पूरा रशिया है, और गल्फ ऑफ फिनलैंड के एज पे कौन सी सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग, काफी फेमस सिटी है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो मैप में लोकेशन आपने देख लिया। अब हम वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हुआ क्या कि इसकी शुरुआत कैसे हुई साइन करने की, तो भाई 1995 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की यूएनईपी की एक गवर्निंग काउंसिल मिली और कहा कि भैया ग्लोबल एक्शन लेना पड़ेगा इन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे, क्योंकि ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एनवायरमेंट में परसिस्ट कर रहे हैं, बायो अक्यूमुलेट हो रहे हैं, फूड वेब में बढ़ रहे हैं, मतलब फूड वेब में शुरू में। बायो अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, बायो अक्यूमुलेट को भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, यानी कि छोटे के लेवल से ये चीजें जमा होनी शुरू हो गई एनिमल की बॉडी में। अब एनिमल की बॉडी में जमा होनी शुरू हो गई, बायोकुमुलेट करती क्यों है, क्योंकि ये देखिए पानी में सॉल्यूबल नहीं होती हैं, ये फैट में सॉल्यूबल होती हैं, ये लिपिड्स में सॉल्यूबल होती हैं। अब लिपिड्स क्या होता है ये मैं अभी जब बायोकुमुलेशन बताऊंगा वहां पर बताऊंगा, अभी यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो पानी में तो सॉल्यूबल है नहीं,
ऑर्गेनिज्म और एनिमल के अंदर में, तो एनिमल के अंदर में पानी में सॉल्युबल नहीं, अगर ये पानी में सॉल्युबल होती तो एनिमल्स बहुत सारा पानी पीते हैं और उसको यूरिन के थ्रू या एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकाल देते हैं। लेकिन ये पानी में सॉल्युबल होते ही नहीं है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट, ये फैट सॉल्युबल होते हैं और फैट तो निकल नहीं रहा है आपके लिक्विड से, तो ये आपकी बॉडी में ही रह जाते हैं। इसीलिए बायोकुमुलेट होते जाते हैं फूड वेब में, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, जिसको बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन, दोनों आगे देखेंगे। और इसीलिए ये हमारे एनवायरमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत खतरनाक बन जाते हैं। तो 1995 में इस इशू को उठाया गया, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स 1995 में इस इशू को उठाया गया था, यानी बहुत पहले से इन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स के घाटे लोगों को नजर आने लगे थे इंटरनेशनल ट्रीटी को। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ट्रीटी इतनी ढीली है कि 2004 में जाके कोई एक कह सकते हैं बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हो, यानी कि जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगता है ना लोगों के, तभी वो उस पर एक्ट करते हैं। अब देखें, उसके बाद एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम हुआ केमिकल सेफ्टी पे, फिर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम आया केमिकल सेफ्टी पे, उन्होंने एक असेसमेंट किया, उस असेसमेंट के दम पे पता चला कि भैया 12 ऐसे ऑफेंडर्स हैं जिनको आप डर्टी डोजन बोलते हो, ये ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट केमिकल्स हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इस रिपोर्ट ने बोला, इस असेसमेंट ने इसको पता किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो 12 डर्टी डोजन है भैया, ये इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं, परसिस्टेंट हैं, इसलिए इनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नाम दिया गया। फिर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ज्योग्राफिकली भी ये अलग अलग जगह पे हैं, इनका लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट है। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो चीजें आपके ड्राई क्लीनिंग में यूज हो रही, वॉशिंग मशीन में यूज हो रही, रेफ्रिजरेटर्स में यूज हो रही, इंसेक्ट्स को भगाने में यूज हो रही, इंसेक्टिसाइड की तरह काम कर रही है, एक आप कह सकते हो इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह काम करती है, डीडीटी को आज भी इंसेक्ट रेपेलेंट की जगह यूज किया जाता है जो कि बहुत गलत है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। तो जो इतने वाइड बेसिस पे यूज कर रही है वो किसी ज्योग्राफिकली लोकेशन में लिमिटेड नहीं है, वो तो हर जगह फैली हुई है। फिर ये ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ की टिश्यू में जमा होती रहती हैं, इसलिए इसको बायोकुमुलेट होती रहती हैं और बहुत जबरदस्त टॉक्सिक इफेक्ट है इसका ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल हेल्थ पे और एनवायरमेंट पे। इसीलिए स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन किया गया और बोला गया कि भैया इन केमिकल्स को शुरू में, इन डर्टी डोजन्स को हम कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए, इम्पोर्ट के लिए, यूज के लिए। तीन लिस्ट रखी गई इसमें, एक तो लिस्ट रखी गई भैया NXA, दूसरी लिस्ट रखी गई NXB, तीसरी लिस्ट रखी गई NXC। NXA में क्या था कि भाई कंप्लीट एलिमिनेशन करेंगे, ना उनका प्रोडक्शन होगा, ना उनका यूज होगा, ना एक्सपोर्ट होगा, ना इंपोर्ट होगा। NXB में क्या है कि भैया उनके यूज में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होंगे और कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस की वजह से उनको यूज किया जा सकता है। तो शुरू में जो 12 आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आए थे ना, उनको तीन NX में बांटा गया था, NXA, NXB, NXC। NXA में जो थे उनको कहीं पे भी यूज नहीं करना है, NXB में जो थे उनको कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज करना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ आपकी रेगुलेटेड एजेंसीज ही उसे यूज कर सकती हैं। और फिर तीसरा NXC अनइंटेंशनल प्रोडक्शन, कि मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उनको प्रोड्यूस करना चाह नहीं रहे। तो इन तीन एनएक्स में इनको बांटा गया फ्रेंड्स। और उसके बाद जब ये कन्वेंशन इंप्लीमेंट हुआ तो पार्टी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ऐसे कुछ मेजर्स लेंगी जिससे POP का जो लेवल है वो एनवायरमेंट में घटेगा। अब हम देखते हैं कि ये डर्टी डोजेंस हैं क्या फ्रेंड्स। NXA की हम बात कर लेते हैं, NXA है इसमें, NXB है, NXC है। यहाँ पे मैंने तीन और उसमें बांटा बाई प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, एक पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स में आपका एल्ड्रिन, क्लोरोडेन, DDT, डीएल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, माइरेक्स, टॉक्सफीन, ये ज्यादातर आपके NXA में आते हैं। हालांकि जो DDT है फ्रेंड्स, ये कुछ हद तक आपका कहीं कहीं पे यूज कर लिया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात करें तो फ्रेंड्स ये है जिनको लिमिटेड तरीके से यूज किया जा सकता है, तो उसमें आते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स, और बाय प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो पी डायोक्सिन्स और पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो फ्यूरांस और यहाँ पे पॉलीक्लोरिनेटेड ये बायोफिनाइल्स। 12 कौन से हैं, तो 12 आप देख लीजिए फ्रेंड्स, एल्ड्रिन 1, क्लोरोडेन 2, DDT 3, 4 डीएल्ड्रिन, 5 एंड्रिन, 6 हेप्टाक्लोर, 7 हेक्साक्लोरो बेंजीन, 8 मेरेक्स और 9 टॉक्सफीन। तो 9 यहाँ पे होगा, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन में ऑलरेडी गिन चुका हूं, 10वां पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक है, यहाँ पे हेक्साक्लोरोबेंजीन गिन चुका हूं, तो 11वां हो गया पॉलीक्लोरोनेटेड डाइबेंजो पी डायोक्सिन्स और 12वां हो गया पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो फ्यूरॉन्स, PCBs में ऑलरेडी यहाँ पे गिन चुका हूं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपके डर्टी डोजन। डर्टी डोजन के बाद हुआ ये कि 2009 में कुछ 9 एलिमेंट्स को और जोड़ा गया इस लिस्ट में, तो उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं, आपको बता देना। एक तो था अल्फा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, फिर आपका बीटा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, फिर क्लोरडेकॉन था,
लिंडेन था, पेंटाक्लोरोबेंजीन था, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट थे। फिर 2011 में फिफ्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई जिसमें एंडोसुल्फन को बैन कर दिया गया, एंडोसुल्फन जो कि एंडोक्राइन डिसरप्टर है, तो एंडोसुल्फन बैन हो गया, ठीक है। दिस वाज आल्सो बैन इन 2011। फिर उसके बाद 2013 में हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन को बैन किया गया, फिर 2015 में हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन को, फिर पॉलीक्लोरिनेटेड नेफ्थलीन्स को, पेंटाक्लोरोफेनॉल को बैन किया गया। तो इस तरीके से अब तक 26 ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जिसको कंप्लीटली बैन किया जा चुका है फ्रेंड्स। इनिशियली कितने थे, डर्टी डोजन 12 थे, अब है टोटल 26 फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में फ्रेंड्स ये था। तो इसको क्या है ना कि आपको किताबों में मिल जाएगा कि भाई परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए कौन सा कन्वेंशन है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा तरीके से बता दिया, स्टॉकहोम की लोकेशन बता दी ताकि आपको लंबे समय तक के लिए याद रहे। अडॉप्ट किया गया था इस कन्वेंशन को 22 मई 2001 को और यह एंटर आया फोर्स में 17 मई 2004 को। इंडिया ने रेटिफाई किया इस कन्वेंशन को 13 जनवरी 2006 को। 26 केमिकल्स इनके अंदर लिस्टेड है, लोकेशन आपने देखी दी है फ्रेंड्स। तो काम भर की चीजें जितनी लिमिटेड है बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के साथ हमारी डेली लाइफ में, उस पर अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो अलग से कमेंट्स के थ्रू बताइए, जरूरत पड़ी तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी इन वीडियोज को शेयर करेंगे तो बड़ी मदद होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, गुड बाय।